सो लेट्स डिस्कस अबाउट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट यानी कि डेल्टा। सो पहले हम तो ये जान लेते हैं कि डैम्पिंग क्या है, तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर डैम्पिंग की डेफिनेशन है, इफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज प्रोवाइड, यानी कि एक्सटर्नल हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं किसको, सो एज टू रिड्यूस द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, देन द वाइब्रेशंस आर नोन एज अ डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो जिस वाइब्रेशन को हम कम करने के लिए या हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं तो उस वाइब्रेशन को डैम्प्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। नाउ यहां पर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमें फाइंड करना है। तो इन ए डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, यानी कि हम ऐसी सिस्टम है जिस जहां पर वाइब्रेशन एग्जिस्ट है बट हम उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए कोई रेजिस्टेंस या डैम्पिंग इफेक्ट हम उसे दे रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंडिकेटिव ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन के लिए दो पैरामीटर है, एक है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड द रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड। रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि जो ये एम्पलीट्यूड है वो आप देख रहे हैं कि साइकिल के बाद कम होते जा रहे हैं, तो ये एक डीके हो रहा है कि एम्पलीट्यूड में कम डिक्रीमेंट आ रहा है, इसे डीके यानी कि वो खत्म होते जा रहे हैं, जो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो उसकी लेंथ। नाउ ये दो पैरामीटर्स है। नाउ हमें क्या देखना है कि द रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड बाय पैरामीटर नोन एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो रेट ऑफ डीके, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो वो उसका रेट हम अगर मेजर कर पा रहे हैं तो वो एक पैरामीटर है जिसे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहा जाता है। तो मेन हमें एम मिल गया है कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड को फाइंड करना है। रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड, जो रेट है जिसके साथ जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हर साइकिल पर कम होता जा रहा है, उस रेट को हमें फाइंड करना है। नाउ द रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग प्रेजेंट। डैम्पिंग यानी कि जो हमें रेजिस्ट, जो हमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें वाइब्रेशन को कम करना है, उस को हम डैम्पिंग कहते हैं। तो द रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम। नाउ द लार्जर द डैम्पिंग, जितना हम फोर्स ज्यादा देंगे वाइब्रेशंस को कम करने के लिए, द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डीके। तो उसके साथ ही जो वाइब्रेशंस के जो एम्पलीट्यूड है वो उसका जो रेट हो रहा है जो डिक्रीमेंट का वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो अगर हम जितना भी डैम्पिंग फोर्स ज्यादा देंगे उसके साथ ही हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो जल्द से जल्द खत्म होता जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास ये जो फिगर है वो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो हमारे पास टाइम है उसका, ये हमने कर्व प्लॉट किया है। हमारे पास यहाँ पर हम इस एग्जांपल के साथ देखते हैं, ये एक ए पॉइंट कंसीडर किया है, ये बी, उसके साथ ही ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो कम होते जा रहा है। देयरफॉर द पीरियोडिक टाइम, यानी कि जो हम उसे टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, एक हमने कंसिडर किया ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के लिए। यहाँ पर एक्स वन एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर एक्स टू एम्पलीट्यूड है, तो ये टी वन पॉइंट यहाँ पर है टाइम पर, यहाँ पर टी टू पॉइंट है, इन दोनों के साथ हमें बात करनी है। और अगर टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी पी इक्वल टू 2π बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर डैम्प्ड सिस्टम। नाउ हमारे पास लेट ए एंड बी आर द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द टू सक्सेसिव साइकिल्स। तो यहाँ पर टू सक्सेसिव साइकिल्स हमने यहाँ पर देखी है, उसको हमें कंसिडर कर ए बी पॉइंट को हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर टी पी यानी कि टी टू माइनस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन यानी कि हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा वो है टी टू माइनस टी पी टी वन, तो टी पी इक्वल्स टी टू माइनस टी वन, एंड जो उसकी वैल्यू है ओमेगा डी के साथ जो उसका रिलेशन है वो कुछ टाइम पीरियड का इस तरह से टी पी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस। नाउ अगर हम बात करें ओमेगा डी एंड ओमेगा एन के बारे में, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो ओमेगा डी यानी कि डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड ओमेगा एन यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो यहां पर रिलेशन है ओमेगा डी एंड ओमेगा एन के बीच में, तो ओमेगा डी इक्वल्स टू रूट ऑफ वन माइनस जेटा स्क्वेयर इंटू ओमेगा एन, और जेटा क्या है वो है तो फैक्टर, तो वो डैम्पिंग फैक्टर, वो रेशियो है डैम्पिंग फैक्टर का।
तो सी यानी कि डैम्पिंग फैक्टर एंड सी सी यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग फैक्टर, तो ये डैम्पिंग फैक्टर का रेशियो है जो ये जेटा है वो। नाउ ये हमें रिलेशन मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ओमेगा डी की जगह पर ओमेगा एन का यूज करेंगे जो कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर अनडैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम के लिए है। नाउ टीपी इक्वल्स ओमेगा डी को रिप्लेस कर कर हम ओमेगा एन वाला इक्वेशन पुट करेंगे, टीपी इक्वल्स टू 2 पाई बाय रूट ऑफ 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। नाउ आगे नाउ हमें एम्पलीट्यूड का इक्वेशन एक याद करना है जो कि आगे आ गया है, तो एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, ये है एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके। एंड ये है कॉन्स्टेंट है जो कि कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये कॉन्स्टेंट है एक्स इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5। अगर यहां पर हम x1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर जो वैल्यू है t एंड यहां पर t है वहां पर हम सिर्फ t1 पुट कर देंगे, तो x1 एम्पलीट्यूड एट टाइम t1, उसके लिए अगर फाइंड करें तो x1 इक्वल टू e माइनस ओमेगा जेटा ओमेगा एन t1 साइन ओमेगा डी t1 प्लस 5। अगर उसी के साथ x2 यानी कि एम्पलीट्यूड एट टाइम t2, उस टाइम के बारे में बात करें तो x2 इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन t1 साइन ओमेगा डी t2 प्लस 5। तो इस तरह से हमें दो x1 एंड x2 यानी कि एम्पलीट्यूड एट टाइम t1 और एम्पलीट्यूड एट टाइम t2 का हमें इक्वेशन मिल गया है। नाउ हमें कुछ ऐसा करना है कि x2 और x1 में सिमिलर आए, तो हम t1 जहां पर सॉरी यहां पर t2 आएगा, जहां पर हमारे पास t2 है वहां हम t1 के साथ कोई रिलेशन हो इस तरह से पुट करेंगे। तो यहां पर जैसे बुक में दिखाया गया है तो उसके साथ आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि मैंने दो इक्वेशंस लिखे थे x1 और x2 के बारे में तो ये रहे। नाउ अब हमें इस लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो यहां पर क्या है x इंटू ई रेस्ट माइनस जेटा ओमेगा एन, यहां पर जो t2 है वह t2 का इक्वेशन हमारे पास है, हमने यहां पर पहले ही फर्स्ट में ही लिखा है टीपी इक्वल टू t2 माइनस t1। अगर हम उसको रिप्लेस कर दे उस t2 को, ये हम यहां पर मैंने कैलकुलेट किया t2 को, अगर वहां पर टीपी इक्वल टू t2 माइनस t1 उस फॉर्मूला का यूज करें तो t2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी t1 प्लस tb। तो इस t2 की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो जिसकी मदद से हमें ये कुछ इक्वेशन मिलेगा, यहां पर t2 है उसकी जगह पर t1 प्लस tb, यहां पर भी t2 है यहां पर भी हमें t1 प्लस tb पुट कर देना है, बाकी इक्वेशन एज इट इज। नाउ हमें x2 की वैल्यू देखे तो यहां पर हम इस दोनों को, इस जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको ओपन कर सकते हैं, तो दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे कि यहां पर आगे का एज इट इज ओमेगा डी इंटू t1 प्लस ओमेगा डी इंटू tp प्लस 5। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा x2 इक्वल टू x इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन t1 प्लस tp जो कि एज इट इज है साइन ओमेगा डी t1 ओमेगा डी tp प्लस 5। नाउ अगर हम यहां पर देखें इस वैल्यू जो हमारे पास टीपी है, तो टीपी का और एक फॉर्मूला है हमारे पास ओमेगा डी के साथ उसका रिलेशन है, तो टीपी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा डी, इस रिलेशन का हमें यूज करना है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, टीपी की जगह पर 2 पाई बाय ओमेगा डी हमने पुट किया तो ओमेगा डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ यहां पर हमें 2 पाई मिलेगा। हमें यहां पर क्या पुट किया है, टीपी की जगह पर टीपी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा डी, यस, तो ओमेगा डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें जो मिलेगा इक्वेशन वो है x2 इक्वल्स टू x इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन t1 प्लस tp साइन ओमेगा डी t1 प्लस 2 पाई प्लस 5 2 पाई। नाउ आगे हम देखें तो यहां पर 2 पाई प्लस 5 है, हमें ये सोचना है कि एक 5 यानी कि कोई एक डिग्री है कोई एक एंगल। तो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, हमारे पास टोटल 360 का एक सर्कल है, यहां पर एक 45 डिग्री है हमारे पास जिसको हमने एज ए 5 कंसिडर किया है, अगर वहां हम 2 पाई एड करें और 5 देखें तो वो कितना मिलेगा, तो 360 प्लस 45 यानी कि एक पूरा सर्कल हो जाएगा, उसके बाद जो डिग्री बचेगी वो है 45, यानी कि हम 2 पाई प्लस 5 को एज ए 5 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 2 पाई इट्सेल्फ 360 का एक राउंड है, तो उसको हम निगलेक्ट यानी कि अगर अदरवाइज लॉजिकली देखो तो वो कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, यहां से 0 से 360 हो गया फिर 45 यानी कि एक पूरा सर्कल घूम जाएगा।
तो यहाँ 2π प्लस फाइव यानी कि फाइव ही हमें कंसिडर करना है, तो हमें इक्वेशन मिलेगा x2 इक्वल्स टू x इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा n t1 प्लस tp साइन ओमेगा d t1 2π प्लस फाइव यानी कि फाइव, क्योंकि 2π यानी कि एक सर्कल घूम गया है इसी वजह से। अब हमें जो कहा गया है x1 और x2 उसके हिसाब से दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो हम फाइंड करते हैं, तो वो उसका रिलेशन हमें क्या मिलेगा। तो x1 की वैल्यू हमें पता है, x1 कुछ इस तरह से हमें मिला है, ये पूरा इक्वेशन थर्ड नंबर का है उसे पुट कर देना है, और x2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है तो उस वैल्यू का दोनों को रेशियो हमें फाइंड करना है। x1 इक्वल्स टू x इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन t1 साइन ओमेगा डी t1 प्लस फाइव, उसी तरह से x2 x इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा t1 प्लस tp साइन ओमेगा डी t1 प्लस फाइव। तो यहां पर जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कर सकते हैं, ये पूरा साइन वाला वैल्यू, ये x दोनों कॉन्स्टेंट कैंसल आउट हो सकते हैं। और अभी जो बात रही x1 बाय x2 इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन t1, ये दोनों सिमिलर है, तो यहां पर जो t1 प्लस tp है उस दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस निशानी के साथ यहां पर एड हो जाएंगे, तो माइनस, तो ये एक मैथ्सी है, माइनस जेटा ओमेगा एन t1 माइनस t1 माइनस tp, तो यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा। जो बचेगा, जो वैल्यू बचेगी वो है x1 बाय x2 इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ओमेगा जेटा ओमेगा एन माइनस tp, माइनस को हम बाहर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी वो है x1 बाय x2 इक्वल्स टू ई रेस टू प्लस जेटा ओमेगा एन tp। अगर हम डेफिनेशन याद करें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की, तो द नेचुरल लॉगरिथम मस्ट रिमेम्बर दिस टर्म लॉग बेस्ड ई द रेशियो ऑफ द टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजिशन। तो पहले तो इसका क्या मतलब होता है, द नेचुरल लॉगरिथम यानी कि लॉग बेस्ड ई द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, यानी कि इस फिगर को अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है दो सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक, ये दोनों x1 x2 दो सक्सेसिव है, एंड उसके उपरांत भी यहां पर कुछ लिखा है ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजिशन, ये हमारी मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन। या तो हम इसके ऊपर वाली जो वैल्यू हमें मिलेगी एम्पलीट्यूड उसको कंसिडर करना है, या तो मीन पोजिशन के नीचे वाली, इन दोनों में से एक को रेफरेंस करते हुए हमें कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल हम यहां पर x1 और x2 मीन पोजिशन के अपर के साइड जो हमें एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं उन दोनों को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो यहां पर पूरा हमने कैलकुलेशन कुछ इस तरह से किया है। तो अगर हम उस डेफिनेशन को अप्लाई करें मैथमेटिकल फॉर्म में तो कुछ इस तरह से मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू लॉग बेस ई x1 बाय x2, x1 एम्पलीट्यूड ऑफ t1 एट t1 पॉइंट एट t1 टाइम एंड x2 यानी कि एम्पलीट्यूड एट t2 टाइम। तो ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्म हुआ उस डेफिनेशन का। तो हमारे पास x1 और x2 वो दोनों का हमारे पास रेशियो है, उसको हमें यहां पर एनलार्ज करना है, उसे यहां पर पुट करना है, तो आगे देखते हैं कि वो कुछ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू लॉग बेस ई रेस टू जेटा ओमेगा एन tp, कुछ इस तरह से हमें पूरी वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या करना है, ये tp है, tp की वैल्यू हमें आगे भी आई थी उसको याद करना है, 2π बाय ओमेगा डी, उसे हमें यहां पर पुट करना है, और लॉग बेस ई और यहां पर ई है, तो इन दोनों का हम जो फॉर्मूला है उसे यूज कर हम यहां पर जो मिलेगा वो सिर्फ यहां पर जो ऊपर की वैल्यू है वही मिलेगी, जेटा ओमेगा एन tp, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। लॉग बेस ई का ई अगर हम उसे लॉगरिथम निकालें तो सिर्फ जो हमारे जिसका हमें लॉग फाइंड करना है वही वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अगर ये फॉर्मूला अगर हम देखें लॉग बेस ई और ई तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो कुछ इस तरह से। और अगर यहां पर x होगा तो यहां पर हमें x वैल्यू मिल जाएगी 1 into x, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला है। नाउ तो हमें क्या मिला, डेल्टा इक्वल्स टू जेटा ओमेगा एन एंड tp, तो tp का हमने फॉर्मूला देखा है कि ये है जेटा ओमेगा एन 2π बाय ओमेगा डी। फिर से हमें ओमेगा डी और ओमेगा एन के बीच में जो रिलेशन है उसे याद करना है, जेटा ओमेगा एन 2π, तो यहां पर ओमेगा डी इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 - z² इंटू ओमेगा एन, तो उसे ही हमें यहां पर पुट करना है, रूट ऑफ 1 - z² इन ब्रैकेट एन ओमेगा एन, तो ये हमें पूरी वैल्यू मिल गई है किसकी, डेल्टा की।
अब हमें क्या करना है, डेल्टा यहाँ पर ओमेगा ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें जो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वो है डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई जेटा इन रूट ऑफ 1 माइनस जेटा स्क्वायर। ये हमें कुछ डेल्टा की वैल्यू मिल गई है। नाउ आगे हम जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको याद करते हैं। द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड एज फॉलो, किस तरह से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा हमें तो सिर्फ डेफिनेशन को कंसिडर करके चलना है। तो डेल्टा यानी कि द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स ऑन द सेम साइड ऑफ मीन पोजिशन। तो हम चलिए देखते हैं कि x0 एंड x1 ये एक टू सक्सेसिव साइकल्स है और उसके एम्पलीट्यूड्स है, यानी कि तो डेल्टा इक्वल टू लॉग बेस ई x0 बाई x1। उसी तरह से x1 एंड x2 भी है तो उसे भी हम डेल्टा कह सकते हैं। उसी तरह से लॉग बेस ई x2 और x3 1 2 3 4 5 इस तरह से पूरी साइकल्स चल रही है तो उसको हमें डेल्टा कह सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन वाइज वो करेक्ट है। तो लॉग बेस ई x2 बाई x3, x2 यानी कि t2 टाइम पर एम्पलीट्यूड, यहाँ t3 टाइम पर एम्पलीट्यूड, कुछ इस तरह से डॉट 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 करते जाएंगे तो लॉग बेस ई एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन। तो इस तरह से हमें पूरी वैल्यू मिलती जाएगी और आगे हम फाइंड करें तो इस तरह से हमें कई डेल्टा मिलेंगे। तो नंबर ऑफ डेल्टा का अगर हम समेशन करें तो देखें लॉग बेस ई एक्स जीरो बाई एक्स वन, ये एक डेल्टा हुआ एक। तो उसी तरह से लॉग बेस ई एक्स वन बाई एक्स टू, तो ये भी इसको भी हम डेल्टा कह सकते हैं इंडिविजुअली। इसी तरह से डॉट 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 करते जाए तो कई सारे डेल्टा के बाद अगर लास्ट जो होगा कोई एंथ वाला तो एन माइनस वन यानी कि सेकेंड लास्ट बाय एक्स एन, ये दोनों एम्पलीट्यूड का रेशियो ना लॉग है। अगर लॉग का फॉर्मूला हम याद करें तो यहां पर लॉग प्लस प्लस यानी कि मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो लॉग ई एक्स जीरो बाई एक्स वन इंटू एक्स वन बाई एक्स टू इंटू डॉट 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 कर एक्स एन माइनस वन बाई एक्स एन। तो यहां पर एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू इस तरह से कैंसिल आउट होते जाएंगे एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। जो दो टर्म बचेगी वो रहेगी जो फर्स्ट वन एम्पलीट्यूड एंड द लास्ट वन। तो लॉग बेस ई एक्स जीरो बाई एक्स एन, हमें कुछ एन डेल्टा का ये वैल्यू मिलेगा और डेल्टा इक्वल्स टू वन अपॉन एन, एन को हम यहां पर ले जाएंगे तो वन अपॉन एन लॉग बेस ई एक्स जीरो बाई एक्स एन, ये हमें कुछ डेल्टा की अदर इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से यहां पर सिर्फ याद रखने की जरूरत यही है कि नंबर ऑफ डेल्टा का हम यहां पर समेशन कर रहे हैं, ये भी डेल्टा है ये भी डेल्टा है, तो इस तरह से कुछ एंथ टर्म है हमारे पास।